हाथरस हादसे के 7 दिन बाद योगी सरकार ने पहला एक्शन लिया। सरकार ने एसडीएम सीओ समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की है। एसआईटी ने सोमवार रात सीएम योगी को 900 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने आपको बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट में से 9 विशेष बातों का जिक्र करते हुए एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें कहीं भी भोले बाबा का नाम नहीं है। रिपोर्ट में आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाह बताया गया है। इस तरह जिला प्रशासन के बाद अब सरकार की ओर से भी भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया है उनमें एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार के अलावा इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार और चौकी इंचार्ज कचौरा मनवीर सिंह और पारा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे शामिल हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा कि हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी गहनता से जांच जरूरी है। हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। आला अफसरों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। श्रद्धालुओं की भीड़ के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा उनसे अव्यवस्था फैली है। जांच के दौरान 150 अफसरों, कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिखकर दे दें कि वो किस जांच एजेंसी से जांच करवाना चाहते हैं। सरकार एकदम पीछे नहीं हटेगी, जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपको दिखाते हैं एसआईटी ने हाथरस हादसे पर योगी सरकार के जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या है। रिपोर्ट में क्या बाबा सूरजपाल को क्लीन चिट दे दी गई है। हाथरस कांड में एसआईटी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। एसआईटी ने बाबा सूरजपाल को दी क्लीन चिट। 300 पन्ने की रिपोर्ट में बाबा का जिक्र नहीं। अफसरों और आयोजन कमेटी पर सवाल। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आनन फानन में सरकार ने हादसे की जांच के लिए जिस एसआईटी का गठन किया था, 6 दिन बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 300 पन्ने की रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी को दोषी पाया गया है। अफसरों की उदासीनता पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार हरि का जिक्र तक नहीं है। या यूं कहें कि एसआईटी ने बाबा सूरजपाल को क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी ने अपने 300 पन्ने की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें मृतकों के परिजनों और घायलों के अलावा हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव और सत्संग की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान भी शामिल हैं।